अब मैं चावल को धुल के 1 घंटा मैंने सोक कर लिया है, उसको कुकर में डालेंगे। इसके बाद मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट अपने हिसाब से, गरम मसाले को खड़े 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 ही डाल देंगे, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे, आप घी या कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। हमेशा याद रखना है, मैंने 1.5 ग्लास ही पानी डाला है, कि ये पानी इस लेयर से ज्यादा नहीं हो, नहीं तो चावल गीला हो जाएगा। अब हम इसको ऑन करेंगे और मीडियम आंच पर 1 सीटी आने तक से पकने दें। अभी मैं 1 सीटी हो गया, इसको ऑफ कर दूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, सिंपल सी रेसिपी भी कितनी डिलीशियस दिख रही है। मेरी ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। थैंक यू।